हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपके साथ मैं कुछ कंपनी के बारे में जनरल डिस्कशन करने वाला हूँ, जो मेरे ख्याल से आपको शॉर्ट रन में काफ़ी बेनिफिट दे सकता है और मार्केट में टेम्पररी आपको रिवर्सल देखने को फ़िलहाल मिल रहा है, राइट। तो कौन कौन सी कंपनी है जिसको फ़िलहाल आप बाय कर सकते हो मेरे ख्याल से, लेकिन आप अपना एनालिसिस ज़रूर करो, क्योंकि जो भी कंपनीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ प्योरली नो डाउट सारी अच्छी कंपनीज़ होती हैं। मेजॉरिटी कोई पेनी स्टॉक नहीं होता है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी बेहतर होता है, वो भी से मैं स्टॉक को कंसिडर करता हूँ। सो इन स्टॉक की जो बात करो, मिनिमम आप 2 2 3 मंथ्स के आसपास का होराइजन पकड़ के चल सकते हो, मैक्सिमम जिसमें मोर देन 15-20% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। कुछ कंपनीज़ में ऑलरेडी हमें अपसाइड मिल चुका है और वो स्टॉक में अभी भी हम इन्वेस्ट करके हमने रखा है, मैंने रखा है नो डाउट। और सो ले चलता हूँ स्क्रीन की तरफ, मैं थोड़ा आज बिजी था इसके लिए मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 4 बजे आप देख सकते हो, 5 बजे अपलोड करना है मुझे, तो मैं स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ आपको, थोड़ा बिजी था मैं। सो मैंने मॉर्निंग में ही अपने ग्रुप में शेयर किया था फिन करो लर्न टू ग्रो, जहाँ पे मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ लर्निंग का। एफ एल मेक सेंस टू एंटर ग्रेजुअली, उसके बाद आपने देखा है सुबह 9 बजे डाला हूँ, 9:15 बजे के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले शेयर कर चुका था, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैं आपको कुछ दिन पहले फोटोज़ दिखा रहा था कौन कौन सा, उसमें से जो लेवल 940 के आसपास से लेकर के 810 के आसपास का गुड लेवल था। बजाज फाइनेंस का भी काफ़ी अच्छा लेवल था, इन्फोसिस का मैंने कहा कि फेयर वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड करा है, बाटा इंडिया एट अ फेयर प्राइस, और उसके बाद वो भी 1700 के आसपास अभी चले गया। दीपक नाइट्राइट में भी अभी शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने को मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे अपना पूरा लर्निंग शेयर करते रहता हूँ, यहाँ पे बाइंग के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो ग्रुप है जहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट में, नहीं चल रहा है, रिलायंस में भी 10% अपसाइड देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ CDMO बिजनेस के बारे में लिखा है कि पिरामल एंटरप्राइज एज अ गुड कंपनी टू एक्वायर, ये मैंने पहले ही शेयर कर दिया था ऑलरेडी मेंशन, और अभी के टाइम पे स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। इसके बारे में डिटेल लिखा था लर्निंग सो दैट लोगों को समझ सके। फिर रूपा कंपनी के बारे में मैंने कल डिस्कस किया था अपने ग्रुप के अंदर में, पावर ऑफ लर्निंग, जहाँ पे टेक्निकल बेसिस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट दिख रहा था, आज 7.5% ऊपर है स्टॉक। एफ एल आपका 15% ऊपर जा चुका है। तो ये यहाँ पे क्या होता है ना, लर्निंग शेयर कर देता हूँ साथ साथ में। यहाँ पे मैंने अपना 3 ways टू चेक स्टॉक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कैसे कंसिडर करना जब मार्केट क्रैश होता है, तो वो भी शेयर करता हूँ, ताकि सीख करके लोग खुद से इन्वेस्ट करना स्टार्ट सके, ना कि टिप्स और एडवाइजरी बिल्कुल सर्विस ये बिल्कुल नहीं है, राइट। यहाँ पे देखो टाटा का ऑर्डर बुक कितना है, टोटल 13,700 करोड़ के आसपास, तो मैं शेयर करते रहता हूँ। तो परफेक्ट रिवर्सल एट विद अ वॉल्यूम, यहाँ पे एफ एल का मैंने ऑलरेडी शेयर किया, राइट। तो इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्टली जो मैं क्या बाई कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ, अगर वो सिर्फ आपको जानना है, देखना है क्या मतलब कौन सा स्टॉक सही है नहीं है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन बटन क्लिक करके वो भी ग्रो टुगेदर सर्विस ले सकते हो, जहाँ पे सिर्फ पोस्ट किया जाता है वहाँ पे आपको मिल जाएगी स्टॉक के अंदर में कौन सा मैं बाई कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो क्या है नहीं है, ये भी आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये प्लीज़ एडवाइजरी सर्विस नहीं, अगर एडवाइजरी के कॉल करो तो बिल्कुल कॉल मत करो, टिप्स और बिल्कुल के नहीं। अगर लर्निंग है, आपको सीखना है, वेबिनार नॉलेज लेना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल कांटेक्ट मत करो, राइट। सो यहाँ पे मैं स्टॉक की जो बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे पिरामल एंटरप्राइज मैंने 4 5 दिन पहले ही मैंने दे दिया था कि इसका रेंज इसमें आएगा, तब इसको एक्वायर करना स्टार्ट करना है, राइट। सो ये एक रेंज था जहाँ पे हमने पकड़ के चला था कि स्टॉक के अंदर में एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं जैसे इस रेंज में एंटर करेगा, राइट। सो मैंने ये जो आपका लेवल्स है, मेरे ख्याल से पिरामल एंटरप्राइज अ वेरी गुड कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट नो डाउट, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट था जिसको ब्रेक किया, अभी के टाइम पे स्टॉक के अंदर में परफेक्ट एंट्री बनता है विद अपसाइड ऑफ 2800 के आसपास, अगर मार्केट स्टेबल होता है तो, राइट। और इसका जो लोएस्ट लेवल मैंने पकड़ा था 1687 के आसपास स्टॉक आ सकता है। सो जो पिरामल एंटरप्राइज, अगर कंपनी का ओवरऑल अगर फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक करो, पीएल पिरामल एंटरप्राइज का पी मल्टीपल 34 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और आप 3 ईयर्स का इस कंपनी का पी मल्टीपल अगर आप एवरेज देखो तो 40, मतलब स्टॉक अंडर प्राइज हो चुका है। कंपनी के जो ओनर्स या कंपनी के प्रमोटर से फिलहाल इस कंपनी को डीमर्ज करने वाले, एक पिरामल फार्मा फॉर्म होने वाला है और एक पिरामल आपको जो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में, इस कंपनी का जो रेवेन्यू मोर देन 3,700 करोड़ अगर पिरामल फार्मा जनरेट करता है, जो कि इंडिया की जितने भी CDMO कंपनी उससे बहुत ज़्यादा हाइयर साइड में, ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी हो जाएगी आपका CDMO बिजनेस के अंदर में, और आने वाले टाइम में कंपनी का जिस हिसाब से प्लान है, मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए भी है और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बेहतर साबित हो सकता है, जैसे ही डीमर्जर होगा, आई थिंक अक्टूबर में होने वाला है। सो डोंट मिस, कंपनी का ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आ रहा है, सेल्स बेहतर आ रहा है। सो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी को कंसिडर किया फॉर इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड परस्पेक्टिव, ट्रस्ट मी काफ़ी बेहतर कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक मेरे ख्याल से आप अभी भी कंसिडर कर सकते हैं एफ एल।
सो मैंने आज ज़्यादा ये नहीं किया, लेकिन कंपनी जहाँ पे मुझे अभी स्ट्रांग रिवर्सल दिख रहा है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 13% मिल चुका है इसके अंदर मैंने अगर लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था, राइट। तो आपको आइडिया मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है ये स्टॉक का कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अगर ये आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रहता कि इस लेवल पे आ सकता है और आपको फंडामेंटल नॉलेज है कंपनी का बिजनेस क्या है, राइट। इस कंपनी का ओवरऑल अगर हम EPS या जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था एफएल इंडिया का, आप देख सकते हो इस कंपनी का पी कल मैं कितने पे बताया था आपको, 61, राइट। आज ये चले गए 70 के आसपास पी चल रहा है, 14.63% अप है आज सिंगल डे में। मैंने कहा, कल ही कहा था, कल या 2 दिन पहले भी डाला था, उसके बाद भी डाला था कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसको बाय करने का एक अपॉर्चुनिटी परफेक्ट बन रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने यहाँ तक कि आपको पी मल्टीपल से कंपेयर करके दिखाया था, 3 साल का आप देख लो या 5 साल का देख लो, पी मल्टीपल काफ़ी हाई है, राइट। ये आपको मैंने जो पी मल्टीपल के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया कि स्टॉक अंडर प्राइस है, उसके बाद आपका मैंने अर्निंग प्राइस पर शेयर EPS मेथड से भी कैलकुलेट कर बताया था कि स्टॉक अंडर वैल्यूड, स्टॉक का ऑलमोस्ट टारगेट आपका 1800 के आसपास जा रहा है, मतलब आने वाले कुछ 6 महीने 8 महीने के अंदर में, लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट टर्म है 1500 के आसपास का टारगेट दिखा रहा था, राइट। उसके बाद मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस करके भी आपको बताया था कि स्टॉक का जो रिवर्सल है परफेक्ट यहाँ पे जा करके 90-40-19-27 के आसपास मैक्सिमम नीचे एनवल था, राइट। तो ये एक रेंज है जहां पे इस स्टॉक को एक्वायर करना चाहिए था, लेकिन अभी भी इसके अंदर अपसाइड मेंटेन है। जो पहला अपसाइड आप टारगेट पकड़ के चल सकते हो 1288 रुपीज के आसपास का, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक आपका 1500 के आसपास चला जाएगा। सो दिस इज अ ग्रेट कंपनी। देखो क्या होता है ना, जब मार्केट क्रैश होता है ना, सो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, मार्केट ये नॉर्मल है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, एट द एंड मार्केट में पैसा लोगों का क्रिएट होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का डूबता है क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। सो जब मार्केट क्रैश होना तो आप सिर्फ ब्लू चिप और ब्लू चिप कंपनीज पे फोकस करो। अगर आपको डर लगता है स्मॉल कैप्स ना, सिर्फ ब्लू चिप कंपनी जिनके बिजनेस बहुत बेहतरीन है, इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है, इस कंपनी का क्वार्टरली सेल्स चेक कर लो, इसमें होल्डिंग्स चेक कर लो, काफ़ी स्ट्रांग मिलेगा आपको, राइट। तो इसके अंदर डर कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न मिलने का हाइयर अश्योरिटी बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस आता है कंपनी का, पी मल्टीपल या जो भी आप प्राइस टू बुक वैल्यू जितना बेसिक बेसिक जो बात कर रहा हूँ, अगर वो देखने भी आता तो भी आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और टेक्निकल नॉलेज आ जाएगा तो सोने पे सुहागा। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही नॉलेज कैरी करता हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट से पैसा अगर जनरेट करना है तो दोनों चीज़ आना चाहिए। अगर जिस मार्केट में जो भी चीज़ कर रहे हो ना अपनी ज़िंदगी में, पूरे पैशन के साथ करो तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। सो ये स्टॉक के अंदर भी यहाँ पे एंट्री था परफेक्ट, 15% ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, आज ही सुबह में या 2 दिन पहले ही मैंने इन्फॉर्म किया था, मतलब बताया था कि स्टॉक के अंदर एंट्री बनता है, लेकिन एंट्री अपने नॉलेज पे बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ये सेकेंड स्टॉक है। थर्ड स्टॉक रूपा, जस्ट फॉर डिस्क्लोज, इस स्टॉक के अंदर मेरा होल्डिंग्स है ऑलरेडी। तो यहाँ पे रूपा में अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी के टाइम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, आप डेली टाइम फ्रेम पे जिस पे भी देखना, अभी के टाइम पे इसमें डेली टाइम फ्रेम पे इसके अंदर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, या सॉरी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कल फॉर्म हुआ था, मैंने इधर डाला था कि पावर ऑफ लर्निंग, आपने देखा है व्हाट्सएप मैसेज में कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ, मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, वॉल्यूम ऑलरेडी अप है, तो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट दिखेगा, राइट। सो ये सारा का सारा चीज़ आपको कैसे मालूम पड़ेगा, जब आप रेगुलर थोड़ा सीखने की कोशिश करोगे। लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग कांटेक्ट करते हैं, सर जी एडवाइजरी सर्विस है तो दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई मेरे पास भी टाइम नहीं टिप्स देने का, वो फालतू काम है, राइट। सो यहाँ पे अगर सीख करके लोगे ना, क्यों किसी को तुम फीस देना चाहते हो, किसी को पैसा देना चाहते हो, आप खुद 3 महीना सीख करके ले लो ना, आपकी आपका मेहनत का कमाया हुआ का पैसा है। सो अगर आप सीख करके 3 महीना लेते हो, इनकेस कल जा करके आपके पास बहुत पैसा हो जाता है, मे बी 50 करोड़ या 50 लाख जो भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, तो भी मैं कहूँगा एडवाइजरी सर्विस नहीं लेना बिल्कुल भी। अगर लेना भी तो आपको आना चाहिए, पता नहीं वो किस बेसिस पे स्टॉक क्यों दे रहा है, तो उससे रीज़न पूछना आपको ज़रूरी है। तो मैं कहीं पे अगर एडवाइजरी सर्विस इन केस फ्यूचर में लूँगा, बड़ा PMS ये सब करना रहेगा, सो आई वुड आस्क हिम कि भाई रीज़न क्या है जो स्टॉक रिकमेंड कर रहा है, मुझे टारगेट स्टॉप लॉस ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, रीज़न क्या है। इफ़ द रीज़न इज़ जेन्युइन, इफ़ द रीज़न इज़ लाइक कि कन्विंसिंग है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक बाय करूँगा, अदरवाइज बिल्कुल बाय नहीं करूँगा। तो अभी के टाइम पे स्टॉक के अंदर में लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होने वाला है, आप देख सकते हो परफेक्ट लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होने वाला है, वीकली टाइम फ्रेम पे तो कंप्लीट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो चुका है। और इस स्टॉक के अंदर में आप देख सकते हो कि क्या फॉर्म हो रहा है, लोअर हाई फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे इसके अंदर। लोअर हाई फॉर्मेशन कैसा, मतलब यहां से आप देख सकते हो ये लोअर हाई फॉर्मेशन है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, वॉल्यूम यहां पे ज्यादा दिखा है, कंपनी का फंडामेंटल काफी बेहतर है, इस कंपनी का ब्रेकआउट यहाँ से होने वाला है। टारगेट मैंने इसका 680 का पकड़ के चला है, इसमें एक बार मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया हूँ, आपको याद रहेगा 2000
900 या 3000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया था जब ये गया था। उसके बाद मुझे पता था स्टॉक नीचे आएगा, इस रेंज में ट्रेड हो रहा है, अब ये फिर से ब्रेकआउट होगा, फिर से स्टॉक के अंदर में जब ये मार्केट स्टेबल होता है तो फिर से जब ऊपर चले जाएगा 10% 15% पर मैं प्रॉफिट बुक करके इसमें निकल जाऊंगा। लेकिन इसके अंदर चांसेस है कि स्टॉक आपको 720 तक का टारगेट दे सकता है, क्योंकि कंपनी का काफ़ी लंबे समय का ब्रेकआउट है विद अ वॉल्यूम, राइट? सो यू कैन होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 4 to 5 months टू एक्सपेक्ट मोर देन आई थिंक 30 to 40% रिटर्न फ्रॉम दिस स्टॉक, राइट? सो इस कंपनी का रुपए इन कंपनी का भी आप चेक कर लो, उसका पी मल्टीपल आपको जो चेक करना है सो कंपनीज का आप चेक कर पाओगे, आपको मालूम रहेगा तभी तो आप कर पाओगे ना। स्टॉक पी 20.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट? इसमें इस कंपनी का और नीचे आ जाते हैं कि 3 ईयर्स का पी मल्टीपल कितना है। 3 ईयर्स का मल्टीपल आपका 3 ईयर्स का 3 ईयर्स का 20 के आसपास है और 5 ईयर्स का 23 के आसपास है। तो आप सोचिए स्टॉक ऑलरेडी पहले से होल्ड कर रहे हैं, कल 2-3 दिन 4-5 दिन अगर पहले आपने फॉलो किया था स्टॉक आपको ऑलरेडी 400 आपका नीचे भाव पे आ गया था। कितने भाव पे आ गया था यार? ये आपका भाव पे आ गया था 471 के आसपास। तो स्टॉक आपका मालूम था कि इस टाइम पे इंटर करना, तो दिस इज़ द टाइम स्टॉक को इंटर करना चाहिए था आपको, राइट? मार्केट में ये जो लेवल्स आपको जब आप लर्निंग पे फोकस करोगे, राइट? इनकेस आपको सीखना है, राइट? आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, जो मेरा फोर्थ बैच 29th of May को स्टार्ट हो रहा है, राइट? इसका जो फीस है 3200 है, जो लाइव सेशन होता है एवरी संडे मॉर्निंग 10 से 12 होगा। टोटल ये 1 महीना चलेगा, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक ये आपका कोर्स चलता रहेगा, मैं पर्सनली आपको पढ़ाता हूँ, राइट? साथ साथ में मैंने इस कोर्स के बाद इसमें आपको 500 और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है फॉर रिकॉर्डेड सेशन, जो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, जो कि आप मेरे वेबसाइट finkaro.com से भी आपको मिल जाएगा, राइट? इस कोर्स का खासियत ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आया, सीख करके नहीं आया, अगर आपको नहीं समझा, अगर आपको लगता है कि नहीं आया कुछ भी पढ़ा दिया, तो आपका फीस 100% रिफंडेबल है, राइट? मोर देन 400 स्टूडेंट्स के ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ। करंटली फंडामेंटल का बैच का एक लेक्चर रह गया है, सो मैं फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही कवर करता हूँ। तो फंडामेंटल का आई थिंक ये बार 15वां बैच स्टार्ट होगा 1 महीने के बाद, जब टेक्निकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1-1 महीना चलाता हूं मैं, क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि भाई पैसा आ गया चलो एक दिन में ख़त्म कर दो, 10 घंटे का कोर्स है, बिल्कुल नहीं। पूरा 1 महीना आप मेरे साथ जुड़े रहो, बात करो, डिस्कस करो, सीखो, जितने क्वेरी से पूछो, ताकि आप 1 महीना सीख करके बाकी की जो ज़िंदगी आपकी 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल जो भी है वो आपका बेहतर हो सके, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो 9 to 5 जॉब के साथ साथ में, राइट? इसके लिए मैं लोगों को फोकस करता हूँ कि यार सर्विस के लिए किधर भी मत कांटेक्ट करो, एडवाइजर सर्विस तो कहीं भी मत करो, भले वो रजिस्टर ना हो, राइट? तो मैं तो रजिस्टर भी नहीं हूँ, तो इसके मैं एडवाइजर सर्विस वो प्रोवाइड ही नहीं करता। मैं सिर्फ लर्निंग, वेबिनार, नॉलेज स्टॉक्स के बारे में या उसमें कब एंट्री एग्जिट रहता है वो सब आइडियाज़ प्रोवाइड करता हूँ, बाकी डिसीजन लेना इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको कोई क्वेरीज है तो इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भी स्टॉक्स है, बहुत सारे मार्केट में स्टॉक्स है। बीच में मेरा जो लॉसेस था ओवरऑल आपको याद रहेगा 1,50,000 के आसपास पहुंच गया। सो यहाँ से एक चीज़ ये मालूम पड़ता है कि जो बिजनेस हमने बाई किया है वो बिजनेस बेहतर और बाउंस बैक कर सकता है। तो अभी के टाइम पे मार्केट में वेटिंग था, अभी और बाइंग करना स्टार्ट करना है, राइट? से यहाँ पे बाटा इंडिया आप देख सकते हो कि मैंने उसमें ग्रुप में डाला था कि 1700 के आस सॉरी नीचे जब वो था स्टॉक आपका कि बाई करना है, तो स्टॉक आज ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा मूव दिखा है 4.2% के आसपास। आपका टाटा पावर भी अच्छा खासा मूव दिखा है, क्योंकि ऑर्डर बुक ऑलरेडी और ज़्यादा मिल चुका है, 13,700 करोड़ का ऑर्डर बुक पहुँच चुका है, राइट? तो बहुत सारा चीज़ है, पर मैंने आज ज़्यादा वीडियो प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि मैं बाहर गया था किसी काम से। ये कुछ हैं जो मेरे ख्याल से बहुत सारी कंपनीज मेरे लिस्ट में होता है, तो आप जब वीडियो देखते हो तो उसको भी मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं रिसर्च करके अपने लिस्ट में ऐड करते आता हूँ सारी कंपनीज़ को जो जो मुझे अच्छी लगती जाती है। यहाँ पे डेल्टा कॉप मेरा 6.41% ऊपर जा चुका है। सो होप यू अंडरस्टैंड कि जो स्टॉक्स है सारे बिजनेस को ही मैं कंसिडर करके चलता हूँ। HFCL भी मेरा अच्छा खासा होल्डिंग आप देख सकते हो, 847 के आसपास 887 के आसपास होल्डिंग है, आज 5% ऊपर है, राइट? इस तरीके से आप लर्निंग पे फोकस करो कि जो स्टॉक्स मैं बाय कर रहा हूँ किस रीज़न से बाय कर रहा हूँ, राइट? मेरे ख्याल से FL, पिरामल एंटरप्राइज, रूपा अभी के टाइम पे फिलहाल, और बजाज फाइनेंस, बहुत सारी कंपनीज है यार, एक कंपनी नहीं बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे मेरे ख्याल से एंट्री बनता है ग्रेजुअल वे में, एक साथ नहीं, ग्रेजुअल वे मतलब 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी 15 क्वांटिटी धीरे धीरे करते करते करते, लेकिन एक अच्छी क्वांटिटी कम से कम एक स्टॉक बाय कर दो, मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार का तो एक बाय करना चाहिए। आप रूपा में डालो या FL में डालो, कम से कम एक 70 हज़ार से 1 लाख का प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन
प्लीज़ अपना एनालिसिस करने के बाद ही उस स्टॉक के अंदर में एंटर करो, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है, मेरा टेक्निक है, उसके हिसाब से उसमें बेटर है। पता नहीं आपको जो दूसरा टेक्निक आता रहा, मे बी आप हार्मोनिक पैटर्न सीखे रहेंगे या कुछ और पैटर्न सीखे रहेंगे, उसके हिसाब से अगर नहीं बैठता रहेगा तो स्टॉक में एंटर करके मतलब नहीं। क्योंकि मैं अपने पैटर्न्स या जो भी स्टडी करता हूँ उसके ऊपर चेकलिस्ट बनाता हूँ। अगर उसमें फंडामेंटल चेकलिस्ट चेक करता हूँ परफेक्ट है, फिर उसमें पैटर्न चेक करता हूँ परफेक्ट है, उसमें वॉल्यूम है परफेक्ट है, उसमें बाकी इंडिकेटर परफेक्ट है, तो उसके हिसाब से स्टॉक के अंदर एंट्री लेता हूँ। अदरवाइज बिल्कुल इंटर स्टॉक में नहीं करता हूँ। भले अंबानी आके कह दे कि भाई मेरा रिलायंस का स्टॉक 10% ऊपर जाने वाला है, पैटर्न बन रहा है, जब तक मेरा पैटर्न उसमें परफेक्ट नहीं होता तब तक मैं स्टॉक में इंटर नहीं करूँगा, मुझे कोई घाई नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मे बी कल आपको अच्छा वीडियो मिलेगा, आज मैं ज़्यादा अच्छा नहीं दे पाया, लेकिन कंपनीज आप फोकस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।